हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम ये वाला अरिस्टोक्रेट का बैग जो 45 लीटर का आता है, इसमें कितना क्या सामान जाएगा हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। आपको एक परफेक्ट आइडिया लग जाएगा, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। मैंने छोटा सा वीडियो लेकिन डिटेल में बताने की ट्राई की है। चलो फिर वीडियो की मैं फटाफट से शुरुआत कर लेता हूँ। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना दोस्तों। मैंने इसे लॉकडाउन में मंगाया था, अब तक मैं इसे एक बार यूज कर चुका हूँ। तो चलो आप लोगों को बता देता हूँ इसमें कितना सामान आ सकता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप लोग अपने मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा दो। ये थोड़ा सा लो लाइटिंग में शूट हुआ था, तो मुझे पता नहीं है बराबर से आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को बराबर दिखा दूं। तो ये रहा हमारा बैग। फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं इसके शू कंपार्टमेंट से। इसके अंदर कितने शूज आ सकते हैं देख लो आप। अभी इसके अंदर है ना, आराम से दो शूज बैठ जाते हैं अगर आप थोड़ा धक्का मुक्की करके बिठाओ तो, वरना ये 9 नंबर के स्पार्क्स के शूज है, ये आराम से फिट हो जाते हैं। और उसके अंदर ही मैं 2 जोड़ी सॉक्स रख दूंगा। उसको रखने के बाद मैं आपको एक स्लीपर, अगर नाइट में पहनने के लिए चाहिए या फिर एक स्लीपर भी चाहिए तो आप वो रख सकते हो। देखो, और एक शूज रखने की जगह है, आराम से कैनवास शूज आ जाएंगे, बट हम एक स्लीपर रखेंगे। प्रैक्टिकली सोचेंगे दो जूते क्यों कोई साथ में लेके जाएगा, एक पहन के लेके जा सकते हो, एक एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो और एक ये शू कंपार्टमेंट में डाल सकते हो। ये देखो आराम से फिट हो गए। उसके बाद भी काफी सारी जगह बच जाती है इसके अंदर। देखो इसको हमने बंद कर दिया, मैं सारे कपड़े डाल के बताऊंगा जितने पॉसिबिलिटी है जो लोग लेके जा सकते हैं दोस्तों। और हाँ, पैकेजिंग कैसी करनी है ये मैं उस पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ कि इस बैग के अंदर कितना सामान आ सकता है, तो एक मोटा मोटी आपको एक परफेक्ट आइडिया मिल जाएगा। चलो इसका मेन कंपार्टमेंट खोल देता हूँ जिसके अंदर सारी जगह होती है। वो देखो, वो दिख रहा है ना, वो शूज का बम्प है, शूज वाले का। अगर आप शूज नहीं डालोगे तो ये भी आपको जगह फुल यूज करने मिल जाएगी। वैसे उसके बाद भी काफी सारी जगह बच जाती है दोस्तों। ये देखो जीन्स डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर 3 जीन्स डालूंगा और एक शॉर्ट्स डालूंगा। ये रही दूसरी जीन्स, ये देखो तीसरी जीन्स, फुल साइज जीन्स है दोस्तों ये पूरी। और ये देखो ये है शॉर्ट्स, ये खोल के बता देता हूँ, ये घुटनों तक के शॉर्ट्स है मेरे। तो 3 जीन्स हो गई और एक शॉर्ट्स हो गए दोस्तों। 1500 रुपए के रेंज में ये बैग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वालिटी के साथ आता है। हालांकि बहुत सस्ते वाले भी मिलते हैं, बट मुझे लगता है कि ये ब्रांडेड और बहुत बढ़िया क्वालिटी है, फिनिशिंग बहुत बढ़िया है दोस्तों। जब आप इसे पहनते हो ना, इसका कंफर्ट लेवल अलग ही आ जाता है। और ये देखो, ये मैं ले आया हाफ स्लीव्स का 2 टी-शर्ट और एक फुल स्लीव्स का टी शर्ट और एक शर्ट। तो ये भी देखो दोस्तों, एकदम आराम से कंफर्टेबली बैठ जाता है, आराम से एकदम फिट हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हो रही। उसके बाद में भी बहुत सारी जगह बच रही है। तो आप समझ ही गए होंगे हम 4 दिन के हिसाब से पैकेजिंग कर रहे हैं, तो 4 अंडरवेयर भी होनी जरूरी है। और मैं बता दूं, मैं पैकेजिंग सिर्फ डेमो के लिए कर रहा हूं, असली में मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूं, बट मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूं कि इसके अंदर कितनी जगह जाएगी, ताकि एकदम परफेक्ट आइडिया मिल जाए कि ये बैग आपके लिए कितना काम का है। और ये रहा पतला फुल साइज टॉवल, ये भी आ जाएगा। और ये रात को पहनने के लिए फुल ट्रैक्स है। और रही लेदर बेल्ट की बात, तो वो शायद आप पहन के ही जाओगे और एक ही बेल्ट 4 दिन 5 दिन आराम से चल जाएगा आपका। इतना सारा सामान डालने के बाद में भी दोस्तों बहुत सारी जगह बच जाती है इसके अंदर, आप बहुत कुछ और भी रख सकते हो। आप 4 से 5 दिन की पैकिंग इसमें आराम से बढ़िया तरीके से कर दोगे, आप मेल हो या फीमेल। चलो एक कैप भी डाल देते हैं दोस्तों। काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद मैंने ये बैग को खरीदा था, मतलब बहुत सारे बैग को मैंने पहले शॉर्टलिस्ट किया और फिर इस बैग पे आया, क्योंकि इसके रिव्यूज बहुत ही ज्यादा बढ़िया थे। ये ब्लैक और ग्रे कलर में आता है। ये देखो टॉर्च भी ले लेते हैं, हम ट्रैवलिंग करेंगे तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और उसके लिए भी अलग से कंपार्टमेंट दिया है, तो आप इसको अलग से आराम से रख सकते हो। और उसके बाद में भी बहुत सारी जगह बचती है दोस्तों, मैं हर एक चीज डिटेल में बताने की ट्राई कर रहा हूँ। और ये आपका यूटिलिटी पाउच, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, जो आपका टूथब्रश वगैरह कैसा कुछ भी है, वो सारा सामान इसमें आ जाएगा, छोटा मोटा छुटंका।
ये बैग मुझे बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील लगा और इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया लगी और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। ये देखो, ये रहा MI का पावर बैंक जो काफी टाइम से है मेरे पास। मैंने इसे बहुत कम यूज किया बट बहुत अच्छा चल रहा है अब तक। एक्चुअली जरूरत ही नहीं पड़ी इतना यूज करने की। अब मैं रियलमी का पावर बैंक लेने का सोच रहा हूँ, 30 वॉट्स वाला। ये देखो, यहाँ पे भी आपको जगह मिल जाती है, आप इसमें छोटा मोटा वॉलेट वगैरह कुछ भी सामान रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें मेरा वाइल्ड हॉर्न का वॉलेट रख देता हूँ। और ये देखो, ये रहे ईयरबड्स, आप ईयरबड्स भी इधर रख सकते हो। उसके बाद में भी काफ़ी जगह बच जाती है। मैं इसे ओवरफिल नहीं करना चाहता, मैं इसे जितना ज़रूरत का सामान है उतना ही डालूंगा। और ये देखो, एक यूटिलिटी नाइफ जो कि पिलर का भी काम करेगा, और एक स्क्रू ड्राइवर भी डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से पैकेजिंग कर सकते हो, मैं सिर्फ एक डेमो बता रहा हूँ दोस्तों। मेरा बैग देख के मेरे और एक दो दोस्तों ने ये सेम बैग खरीद लिया है। देखो, कुछ इतना सामान डाला है और उसके बाद में भी दोस्तों काफी जगह मिलती है। ये इसका लैपटॉप कंपार्टमेंट है, इसमें 15.6 इंचेस का लैपटॉप आराम से बैठ जाता है। बट एक बंदे ने मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया कि 17 इंच का लैपटॉप नहीं बैठता और 15.6 इंचेस का भी नहीं बैठता है। देखो, ये 15.6 इंचेस का लैपटॉप एकदम आराम से बैठ गया है दोस्तों, एकदम परफेक्ट फिट आया है। दोस्तों इसमें दो बॉटल होल्डर दिए, एक एक लीटर की बॉटल आराम से आ जाती है दोनों साइड पे। ये एक लीटर की बॉटल है, आप इसे रख के टाइट कर सकते हो, आराम से बैठ जाएगा। आप देख सकते हो कितना परफेक्ट फिट आया। और दूसरे साइड पे मैं 750 ml की बॉटल रख रहा हूँ, मिल्टन की स्टेनलेस स्टील की बॉटल है। और रखने के बाद आप इसको टाइट कर दोगे तो बिल्कुल हिलेगा नहीं। अभी टाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ डेमो बता रहा हूँ आप लोगों को। दोस्तों वीडियो से जरा सी भी हेल्प हो रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। इसके अंदर देख लो, अभी भी काफी सारी जगह बच रही है। तो मैं आपको एक डबल बेडशीट डाल के बता देता हूँ। ये डबल बेड की बेडशीट है, वो भी आराम से एकदम फिट हो जाती है। उसके बाद में भी काफी जगह बच जाती है दोस्तों। बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको ओवरफिल करने के लिए। ओवरफिल नहीं होगा, ठीक ठाक फिल होगा तो आपको उठाने के लिए भी ज्यादा बेटर पड़ेगा। देखो, अभी भी काफी ज्यादा जगह बच गई है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसके अंदर आपका कितना सामान आएगा दोस्तों। आप लोगों को एक टाइप का मैंने ये बता दिया, एक आइडिया दे दिया है। और ये बैग बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है दोस्तों। 5-6-7-8 घंटा आप इसको आराम से पहन के घूम सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। और देखो, ये साइड में भी जगह होती है, आप यहाँ पे भी कुछ रख सकते हो। बट मेरे पास कुछ था ही नहीं रखने के लिए तो मैंने कुछ रखा ही नहीं। आप अपने हिसाब से पैकेजिंग कर सकते हो दोस्तों, ये सिर्फ डेमो पैकेजिंग थी। दोस्तों मेरे चैनल पे इस बैग की अनबॉक्सिंग भी मिल जाएगी आपको। दोस्तों इस बैग में ना दो कलर आते हैं, एक ये वाला जो ग्रे है और एक आता है ब्लैक। दोस्तों इस बैग का बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चेकआउट करके ले सकते हो। और इसका करंट प्राइस 1299 चल रहा है। मैंने लिया था तब 1500 के आसपास था। पता नहीं, मैं जब बाय कर लेता हूँ उसके बाद ही प्रोडक्ट का प्राइस क्यों गिर जाता है। दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी होगी मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच। दोस्तों मेरे चैनल पे और बहुत सारे वीडियोस है, वो भी चेकआउट कर लो, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।